इस वीडियो में हम न्यूरल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। न्यूरल टिश्यू जो होता है वो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने, कोई भी रिस्पांस जो होता है ये नर्व के थ्रू ही होता है। तो उसमें एक शब्द है न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जो होता है वो आपका यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और एक्साइटेबल सेल होता है। मतलब ये जो आपका नर्वस टिश्यू है या न्यूरल टिश्यू है, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, वो है न्यूरॉन्स। और उसका फिगर आपको ये दे गया है कि इस फिगर्स में आप देखिए, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडीज है, ये डेंड्राइटिक सेल है और ये न्यूरोग्लिया है। न्यूरोग्लियल सेल क्या करता है कि रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरो, सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम है इसका। न्यूरोग्लिया जो है वो आपका 1/2 ऑफ द वॉल्यूम न्यूरल टिश्यू, जितने भी न्यूरल टिश्यू हैं उनमें से आधा का पॉपुलेशन इन्हीं न्यूरोग्लिया सेल का है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि न्यूरॉन का मेन काम है ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन का। इधर जैसे मोटर एक होता है, जैसे कि आपने किसी को टच, आपने टच किया किसी को तो अगले को पता चल जाता है और फिर उसके रिस्पॉन्स में वो भी कुछ रिस्पॉन्स करता है। तो ये सारा जो हो पाता है वो न्यूरल टिश्यू के कारण होता है। इसको हम और अच्छे से यदि डायग्राम देखें तो ये है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन में ये पार्ट आपका डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस होता है उसमें, ठीक है। ये एक्सॉन है और एक्सॉन के बाद आप ये देखिए कि इसमें माइलिन शीथ का कवर रहता है और स्कैवेन सेल बोलते हैं इसको। और नोड ऑफ रेनवियर इस दो माइलिन शीथ के बीच के जो खाली जगह है उसको रेनवियर कहते हैं। और एक्सॉन टर्मिनल ये है, इसमें आपका इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू। और फिर भी किसी टाइप का इंफॉर्मेशन रहता है वो मोटर या इफेक्टर, ये इसी के किसी में मान के चलो यदि माइलिन शीथ नहीं रहा तो उसमें सही से इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसमिट हो सकती। और जिसमें माइलिन शीथ है उसमें फास्ट ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसका डिटेल जो है कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, एक तरह से वो अलग ही इसका डिटेल स्टडी होगा नर्वस सिस्टम में। अभी बस न्यूरल टिश्यू के बारे में था। ये है स्ट्रक्चर, ये फंक्शनल यूनिट है आपका नर्वस सिस्टम का।